हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई और कूल ब्राउज़र ऐप का। ओके फ्रेंड, जिसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट एज। दोस्तों, ये ब्राउज़र इस साल ही लॉन्च हुआ है 15 जनवरी को 2020। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों इस ऐप्स की क्या खास बात है, क्या इसके बेस्ट फीचर है, जो कि आज की पूरी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये ऐप गूगल क्रोम से भी बहुत ज़बरदस्त है और मोजिला फायरफॉक्स से भी बहुत अच्छा है, और बहुत लेटेस्ट एंड एडवांस फीचर इसमें ऐड किए हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरा नेम है आशीष और आप देख रहे हैं लेट्स डू इट टुगेदर विथ आशीष। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख पा रहे हो दोस्तों, सबसे पहले इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.6 की इसकी रेटिंग है और नंबर 9 पे यूटिलिटीज़ पे आता है ये यूटिलिटीज़ में। ओके, और लोगो देख सकते हैं दोस्तों, इसका काफ़ी कूल सा लोगो बनाया हुआ है। इंडिया का ऐप नहीं है दोस्तों, पहले कंफर्म कर दूँ, बाहर का अमेरिका का ऐप है। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा एंड कूल सा ऐप है दोस्तों, देख सकते हैं। और इसकी एक बार रिव्यू की बात करें, स्पीड एंड परफॉर्मेंस कंपेटेबिलिटी की बात करें दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट में भी आ रहा है। जैसे आप अपडेट करेंगे विंडोज, तो विंडोज़ में भी आ रहा है। अभी लोगों को नहीं पता, जिसने अगर विंडोज़ अपडेट किया होगा तो उसका विंडोज़ में आप देख सकते हैं। ये कूल सा और लेटेस्ट ब्राउज़र है दोस्तों। अगर आपने नहीं किया है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आईफोन, आईपैड, एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने ऐप स्टोर प्ले स्टोर पर सर्च करके देख सकते हैं। तो इसकी स्पीड परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी बात है दोस्तों, स्पीड काफ़ी अच्छी है। और जो फीचर्स हैं वो मैं दिखाऊंगा क्या क्या इसमें ज़बरदस्त फीचर है, क्योंकि आप दोस्तों गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स को चलाना छोड़ देंगे। ओके फ्रेंड, देख रहे होंगे स्पीड परफॉर्मेंस एंड कंपेटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और ज़बरदस्त है इसकी। मोर प्राइवेसी मोर कंट्रोल, दोस्तों ने प्राइवेसी के लिए काफ़ी अच्छे फीचर्स अपडेट किए हैं। जैसे कि आजकल देख रहे हैं काफ़ी हैक होते हैं, काफ़ी ब्राउज़र फ़ोन हैक हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे काफ़ी अच्छे से मॉडिफाई किया फीचर को देखते हुए। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। ब्राउज इन प्राइवेट, दोस्तों ये सारे ये फीचर तो हर किसी ऐप में होता है, बट जो उसकी एक स्पेशल फीचर है जो कि मैं आपको ऐप यूज़ करके दिखाऊंगा जो, और उसकी फीचर के बारे में बताऊँगा, वो सारी चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब देख रहे हो न्यू टैब ब्राउजिंग इन प्राइवेट। ओके, अब यहाँ देखेंगे पर्सनलाइज योर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। तो इस हिसाब से देख सकते हैं दोस्तों, पर्सनलाइज काफ़ी अच्छी अच्छी फीचर मिल जाएंगे आपको, देख सकते हैं। काफ़ी देखने में भी कूल और अट्रैक्टिव सा लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, अर्न रिवॉर्ड्स वाइल यू सर्च। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ दोस्तों कमा भी सकते हैं, जैसे लिखा ना अर्न रिवॉर्ड्स वाइल यू सर्च, जैसे आप सर्च करेंगे तो आप अर्न भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे $10, $50, $10, तो इसके अकॉर्डिंग आप कमा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब दिखा देता हूँ इसके, ये है दोस्तों 100 MB का ऐप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके देख सकते हैं, एक बार इसके रिव्यू पढ़ लेते हैं। MS Edge has been my go-to browser for quite some time. It is a fun, interactive and rather well laid out offering that can make some of more popular options shed a sweet or two. तो दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देख सकते हैं इसके मिलेंगे आपको। और मैंने बताया ना, अभी जनवरी में लॉन्च हुआ है तो अभी 6 मंथ हुए हैं और काफ़ी लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये ब्राउज़र दोस्तों काफ़ी अच्छा है, यूज़ कर सकते हैं। अब इसके फीचर की बात करते हैं, इसे दिखाता हूँ साइनअप कैसे करना है। तो जैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर लिखाएगा साइन इन टू टर्न ऑन सिंक। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा साइन इन या साइन इन विथ वर्क और स्कूल अकाउंट। तो दोस्तों आपको साइन इन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर देख रहे होंगे एक सर्कल किया हुआ है, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे स्किप करके आगे बढ़ेंगे तो स्टेप्स दोस्तों ऑप्शन आएगा शेयर डेटा अबाउट वेबसाइट यू विजिट। तो दोस्तों आपको ठीक लगे तो शेयर डेटा कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नॉट नाउ पर आगे करके बढ़ सकते हैं। अब दिखाता हूँ दोस्तों इस ऐप को कैसे यूज़ करना है। लोगो देख सकते हैं उस स्टेप से दोस्तों, सर्कल बना हुआ है, इसे स्टेप से ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है दोस्तों, तो बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट यूएस का है तो ये ऐप भी यूएस का है। अब देख सकते हैं दोस्तों कि, और दोस्तों इसकी बात क्या करें, सबसे पहले बात तो ये बताऊँ, ये दोस्तों ऐप बहुत ज़्यादा फास्ट है। मतलब ये जैसा हमें चाहिए ना कि आईफोन बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है तो हमें आईफोन ही खरीदना चाहिए लाइक दैट, तो उस टाइप से दोस्तों ये ऐप इतना अच्छा है कि बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, काफ़ी जल्दी कोई भी चीज़ आप सर्च करेंगे ओपन हो जाएगा। ओके, एक बार दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं ऊपर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का ये पेज मिल जाएगा जिसमें आप ऐप चेक कर सकते हैं, जो भी फंक्शन वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। जैसे कि मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट का ही ऐप है तो इस पर ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट की सारी चीज़ आप देख सकते हैं, इस टाइप से माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये फ्रंट पे ट्विटर का अकाउंट मिल जाएगा जो कि आप लॉगिन कर सकते हैं इजीली, जैसे नॉर्मल जो आजकल बेसिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ होगी। अब बैक आ जाते हैं, लिंकड हो गया, ये भी मिल जाएगा, विकिपीडिया जो कि ज़्यादातर सर्च होता है। ओके फ्रेंड्स, एंड यूट्यूब जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। ओके फ्रेंड्स,
अमेजन से शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों सारी चीज़ें अवेलेबल है जो कि एक बेसिक ब्राउज़र में नीड होती है, और आपको ज़्यादा से सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इसके फीचर की बात करते हैं, ठीक है। अब देख रहे होंगे दोस्तों इससे आपसे पेज ऐप ओपन हो चुका है। ऊपर देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पर कॉर्नर पर एक सिंबल सा बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देते हो यहाँ से चाहे तो दोस्तों आप साइन अप भी कर सकते हैं साइन इन करके। ओके, ये इसके बाद आप ऊपर देख रहे होंगे दोस्तों सर्च आर एंटर वेब एड्रेस है। दोस्तों जैसे सर्च करना है आपको, हम करते हैं फेसबुक डालते हैं। ओके, फेसबुक कर लेते हैं सर्च। देख रहे हो दोस्तों काफ़ी फास्ट चल रहा है ऐप भी। ओके फ्रेंड्स, ऐप में कोई कमी नहीं है, ऐप एकदम ज़बरदस्त बनाया हुआ है स्पीड के साथ। ओके, अब यहाँ पर देख रहा हूँ सर्च कैमरा है, तो कैमरे पर दोस्तों यहाँ पर कैमरा तो आपने सर्च किया। अब दोस्तों इसमें कैमरे के क्या बेनिफिट्स है मैं पहले बताऊँ। सिर्फ आपके पास कोई फ़ोटो है, ओके, अब सपोज़ कीजिए मैंने ये फ़ोटो सर्च किया, ये आज ही डाला है, तो इसकी रिलेटेड जो भी इमेजेस आएगी ना वो ऑटोमेटिक सर्च कर रहा होगा। जैसे देख पा रहे होंगे सिंबल्स सर्कल घूम रहा, तो इसके रिलेटेड जो भी इमेजेस सारी मिल जाएगी। अब ये तो थी पहली इमेजेस। ओके, अब मैं दिखाता हूँ एक दूसरी। ओके, अब देखते हैं ये क्या है, ड्रेस। अब ड्रेस से रिलेटेड ही ऑटोमेटिक सर्च कर रहा है, जैसे देख पा रहे होंगे ऊपर सर्कल। तो ये दोस्तों एडवांस फीचर है, जैसे मैंने बताया ये फीचर दोस्तों गूगल क्रोम में अवेलेबल नहीं है, ना सफारी में अवेलेबल है, ना ही मोजिला फायरफॉक्स में अवेलेबल। तो इस हिसाब से दोस्तों ड्रेस से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए दोस्तों काफ़ी कूल सा फीचर है। अब इसी तरह से जैसे आपने कोई भी इमेज सेव कर रखी, अब देखते हैं मैं जैसे बताता हूँ, ये हो गया, ये देखते हैं मोनूमेंट्स हो गए। अब इससे रिलेटेड दोस्तों काफ़ी मोनूमेंट्स मिल जाएंगे आपको, हेरिटेज सॉरी। ओके, इसी से रिलेटेड बस इसी के सिमिलर इमेजेस मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़, जैसे कि आपके पास काफ़ी इमेजेस आपके फ़ोन में, तो अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। अब जैसे एनिमल्स है तो एनिमल से रिलेटेड, इसी से डॉग से रिलेटेड, जर्मन शेफर्ड है तो इसके रिलेटेड इसी की काफ़ी पिक्स वगैरह मिल जाएगी। तो ये फीचर दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको काफ़ी अच्छे और एडवांस फीचर इसमें ऐड किए हुए हैं, तो जैसे कि देख पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड, इस टाइप से दोस्तों कोई भी इमेज अपने हो या फिर बारकोड का भी ऑप्शन है जो कि आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं एक और इमेज आपको दिखा देता हूँ जैसे अपने फ़ोन में सर्च करके, मैं लेता हूँ एक, ये ले लेता हूँ फीच। ओके फ्रेंड्स, मैं अपनी फ़ोटो लेके देखता हूँ, अगर क्या पता मेरी फ़ोटो से एडिट कोई मिल जाता है तो अच्छी बात है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं एक बार, मेरी फ़ोटो से एडिट कोई खैर मिल नहीं रहा। ओके, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मेरी खुद की फ़ोटो है, मैंने बनाई हुई है इसलिए शायद नहीं मिल रहा हो। हमें जो उस फ़ोटो से ज़्यादातर मिलेगा जो कि नेट पे हमने सेव कर रखी हो, डाउनलोड कर रखी हो। ओके, एक बार इसे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ मिलता है क्या हमें। तो दोस्तों ये वेरीफाई करने लग जैसा देखा, जैसे डॉगी या इसी टाइप से दोस्तों काफ़ी फ़ोटोज़ मिल गई, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी कूल एंड ज़बरदस्त फीचर है दोस्तों अगर इसकी बात करें तो, देख सकते हैं दोस्तों। ओके, अब इसके थ्रू आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये थी एक चीज़ मैंने ये बताया नया फीचर। और ऊपर देख रहे हो थ्री लाइन्स है दोस्तों टॉप पे राइट हैंड कॉर्नर पे वाइट वाइट कलर की, ठीक है, फोकस, इंस्पायरेशनल, इंफॉर्मेशन, कस्टम। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको पता चलने वाले हैं। इस टाइप से दोस्तों सेट किया हुआ है आपको किस चीज़ पे फोकस करना, जैसे फोकस करना है आपको किस चीज़ पे फोकस करना है वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इंस्पायरेशनल है वो भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशनल है जैसे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ से तो वो भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम पे दोस्तों जैसे जैसे आप चाहते हैं इस पर बंद कर रहे हैं, इसे ऑफ किया आपने ये किया। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों मिलेगी इमेज ऑफ द डे, ये इमेज ऑफ द डे आज का। ओके फ्रेंड्स, अब मैं दिखाता हूँ जैसे लिखा है शो मोस्ट विजिटेड वेबसाइट, तो आपको इसे भी ऑफ कर देना है, इन तीनों को अब करना है शो मोस्ट विजिटेड साइट्स। तो इस तरह से दिखा देंगे सारी चीज़ें जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा विजिट हुई है। अब इसे भी बंद कर दें, आप देखना शो फीड्स आपको, तो यहाँ पर दोस्तों फीड्स मिल जाएंगे जैसे हम ट्विटर पर मिलते हैं, फेसबुक पर मिलते हैं, इस तरह से देख सकते हैं फीड्स। ओके फ्रेंड्स, अब इसे एक्टिवेट कर देते हैं तीनों को। ओके फ्रेंड्स, आप दोस्तों नीचे देख रहे होंगे काफ़ी फीचर्स मिल जाएंगे आपको, थ्री डॉट डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं फीचर्स की बात करें तो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। सेटिंग्स पर जाते हैं, पहले सेटिंग्स में देख सकते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्लियर ब्राउजिंग डेटा क्लियर कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आपने यूज़ किया वो क्लियर कर सकते हो। ओके, दोबारा आते हैं सेटिंग्स में एंड ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ट्रांसलेट आपको कोई भी वर्ड करना हो। ओके, साइन इन कर सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको, जैसे डिवाइस लाइट करना है डार्क करना है तो और ये अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, बैक आ जाते हैं, सेटिंग्स हो गया एंड नोटिफिकेशन ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं, बंद करना चाहते हैं ऐसे बंद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड एडवांस सेटिंग्स पे देख लेते हैं, सर्च इंजन बिंग। ओके, यहाँ पे भी चाहे तो अपना क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे
यहाँ पर अपने चाहे तो गुरु जी कुछ और क्रिएट कर सकते हो अगर चाहते हो तो। बिंग रहने देते हैं। साइड डिस्प्ले सेटिंग्स, तो ये पे व्यू मोबाइल वेबसाइट, जैसे आप चाहते हैं कि मोबाइल की तरह ना हो कि जैसे डेस्कटॉप साइड पे, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर देंगे तो ये डेस्कटॉप की तरह आएगा। एक बार दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे करते हैं हम गूगल सर्च करते हैं, एक मिनट देख रहे होंगे, जैसे जैसे लैपटॉप वगैरह में हम यूज़ करते हैं उस टाइप से ये फीचर आ रहा है। तो ये भी दोस्तों अच्छा फीचर है। ओके अब नॉर्मल कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको एडवांस सेटिंग में, ठीक है। और दोस्तों ये ऐप मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी यूज़ करना चाहिए। अनेबल फ्लोटिंग वीडियो, जैसे लिखा टू अनेबल फ्लोटिंग वीडियो व्हाइल अ वीडियो इज प्लेइंग स्क्रॉल द वेब पेज आर स्वाइप वीडियो फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। अगर ये ऑन कर देते दोस्तों तो कोई भी अपनी वीडियो चल रही होती है वो लेफ्ट कर सकते हैं, पर चलती रहेगी लेफ्ट या राइट में करके देख सकते हैं। वैसे ऑफ रहने देता हूँ, ओके बैक कर जाते हैं। एंड अब और कुछ फीचर के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे आएंगे उसी पे देखेंगे, यहाँ पे सर्च हिस्ट्री है, सर्च हिस्ट्री यहाँ से क्लिक क्लियर कर सकते हैं। डिलीट के ऊपर देखेंगे ऐसे हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी आपकी। ओके दोबारा दिखा देता हूँ। फेवरेट में जैसे अपनी कोई वेबसाइट है यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम डाल के फेवरेट में लिस्ट में। ओके फ्रेंड्स अब आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं आप दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं वेब सर्च हो गया, होम हो गया, कनेक्ट कंटिन्यू टू कंटिन्यू ऑन पीसी, तो पीसी से भी कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। लैपटॉप डेस्कटॉप में अगर आपके पास ये है तो जो भी यहाँ पर सर्च करेंगे वो भी उसमें दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स जैसे लिखा है साइन इन विथ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टू फिनिश लिंकिंग योर फोन आईफोन एंड पीसी, वंस साइन इन यू विल बी एबल टू कंटिन्यू टास्क अक्रॉस योर डिवाइस इंस्टेंटली। तो एक बार दोस्तों इसमें कंटिन्यू कर देंगे तो उसमें भी ऑटोमेटिक दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स अब एड फेवरेट हो गया, वॉइस सर्च वॉइस के थ्रू सर्च कर सकते हैं, जैसे अनेबल कर देता हूँ। ओपन फेसबुक, फेसबुक ट्राइट फेसबुक देखते, दिखाता ही नहीं दिखाता। ये भी अच्छा फीचर है दोस्तों, वॉइस का फीचर शायद ये भी गूगल क्रोम में है आई गेस, तो इस टाइप से आप वॉइस का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इमेज कैमरा, जैसे मैंने बताया न्यू प्राइवेट टैब यूज़ कर सकते हैं, न्यू ब्राउजर जैसे आप कोई यूज़ करते हो कोई भी आपकी हिस्ट्री नहीं देख सकता। ओके फ्रेंड्स ये भी है फीचर। एंड डेस्कटॉप साइड का भी फीचर है, रीडिंग लिस्ट है। ओके फ्रेंड्स सेंड फीडबैक, जैसे फीडबैक देना चाहते हो इस ऐप के बारे में तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ ये आपको ऐप कैसा लगा और इसके बारे में शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स बैक आ जाते हैं, एक बार ये ऐप प्राइवेट वाला फीचर बंद कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स एंड आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई डाउट इंक्वायरी तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड, स्टे होम स्टे सेफ़।